गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पेज नंबर 38 पर कुछ और पढ़ें के अंतर्गत दी गई पहेलियाँ पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पहेली दे रखी है, बूझो बच्चों एक पहेली, सबकी है यह सखी सहेली, सभी नाम से इसे बुलाते, अध्यापक जी यह सिखलाते। प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि बच्चों एक पहेली बूझो, जो कि यह सबकी सखी सहेली है, इसे सभी नाम से बुलाते हैं और ये इसको अध्यापक सिखाते हैं। तो ऐसी क्या होती है बताइए? इसका उत्तर आएगा संज्ञा। क्या आएगा? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर है अगली पहेली पढ़ते हैं। चलिए, चिड़िया एक, चिड़िया अनेक, फूल एक, भंवरे अनेक, एक अनेक का ज्ञान कराऊं, भाषा में मैं क्या कहलाऊं। यहाँ पर देखिए बोला गया है, चिड़िया एक है, चिड़िया अनेक, फूल एक, भंवरे अनेक, एक अनेक का ज्ञान कराऊं, यानी कि मैं एक अनेक का ज्ञान कराता हूं तो मैं भाषा में क्या कहलाता हूं? क्या कहलाता हूं? वचन। एक वचन, बहुवचन। वचन से हमें एक और अनेक के बारे में पता चलता है। आगे है, सीधा अर्थ ना मुझको आता, उल्टा काम ही मुझको भाता, उलट फेर ही मेरा काम, वी अक्षर से मेरा नाम। अब बताइए, सीधा अर्थ ना मुझको आता, मुझको ना सीधा अर्थ, सीधा मतलब आता ही नहीं है, उल्टा काम ही मुझको भाता, मेरे को जो मुझे है उल्टा काम ही अच्छा लगता है, उलट फेर ही मेरा काम, और मेरा काम है उलट फेर ही है, और मेरा नाम वी अक्षर से शुरू होता है। तो बताओ ऐसा कौन सा होता है? विलोम। क्या होता है? विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द है ना। उसके बाद है अगली पहेली देखते हैं, काम करो भाई काम करो, देती हूँ मैं यह पैगाम, बोलो बोलो मेरा नाम, छिपा काम में मेरा नाम। तो यहाँ पर एक संदेश दिया गया है कि भाई कर्म करो, सभी भाई काम करो, मैं यह संदेश देती हूँ और अब मेरा नाम जल्दी जल्दी बताओ, और एक संकेत है कि काम में ही मेरा नाम छिपा हुआ है। तो ऐसा क्या होता है? क्रिया। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो क्रिया शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। फिर आगे पढ़ते हैं, यह सफ़ेद है वह है काला, यह कड़वा है वह रस वाला, भांति भांति के गुण बतलाता, भाषा में मैं क्या कहलाता। यह सफ़ेद है और वो काला है, यह कड़वा है वो रस वाला है, और अलग अलग के गुण मैं बतलाता हूँ, तो बताओ मैं भाषा में क्या कहलाता हूँ? जो गुण बतलाता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। फिर है, बार बार ना लूं एक नाम, यह वह कहकर करता काम, तेरा मेरा मुझको आता, सोचो तो मैं क्या कहलाता। अब ये बताएं कि जो बार बार नाम नहीं लेता, यह वह कहकर काम करता है और तेरा मेरा मुझको अच्छा लगता है, तो बताओ मैं क्या कहलाता हूँ? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पहेलियों के माध्यम से
संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विलोम और विशेषण के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी होंगी, है ना।